इस दोनों का जो इंटरसेक्शन है इसको हटा दिया जाए तो ये बच्चे कैसे, यही हमको निकलना है। क्या बना कौन से बात में आने वाले जो है ना, अपना तो दुश्मन है ये है, हम लोग में भी बड़का दुश्मन आता है जो बात में डिस्टर्ब करता है। कहाँ से आते हैं जी, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं? ओ उनको लेट से छोड़ने पड़ते हैं भाई, लेट से तो छोड़ने पड़ते हैं, टाइम पर छोड़ना चाहिए। टीचर भले क्लास में लेट से जाए लेकिन टाइम पर छोड़ के तो बच्चे उसके बाद कभी दूसरे जगह अपना ट्यूशन से हमें तो पहले ही आपको अभी कि हम 5 घंटा पढ़ेंगे 4 घंटा पढ़ेंगे, बच्चा उतना आपका ट्यूशन पढ़ेगा उसके बाद कहीं दूसरे जगह पकड़ेगा नहीं। जान बुझ कर अपने चलते लेट करके आइएगा, लेट तक पढ़ाइएगा, उससे होगा क्या, अंत में जो पढ़ाई हो रही होगी चाहे कहीं भी इस बैच में आने से पहले जहां भी पढ़े तो अंत में जो पढ़ाई हो रही होगी वो आपको समझ में नहीं आया होगा, कहे तो दिमाग में बेचैनी हो गया होगा क्योंकि वो बैच मेरा छूट न जाए, वहां पढ़ाई हो रही होगी लेट से पहुंचेंगे। और जब इस तरह का बात आता है तो आधा और पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो वहां भी गया यहाँ भी हर ऐसे कि हाँ हमारे यहाँ बैच में कुछ लोगों से बैच से पहले पकड़िएगा बाद में नहीं कहते जब 2 घंटा हम भी कर देंगे और 2 घंटा सब जगह हो जाएगा तो मेरे यहाँ बैच उन लोगों से पहले पकड़ लीजिएगा, हमारे यहाँ से पढ़ते वहां से कहते हम 5 मिनट पहले छोड़ते हैं, वहीं भी जाने वाले को टेंशन नहीं है। लेकिन शहर में कुछ शिक्षक हैं जो आधा आधा घंटा की लेट कर देते हैं, अब वहां से निकलिएगा फिर उनके यहाँ ज्यादा साइकिल है उसमें से साइकिल निकालना तब तक जो है चौके पर क्या इधर से उनका बड़का बैग छूटेगा उनसे छूटेगा 3-4 जगह का बैग छूटता है और वहीं पर जा और यहाँ आते आते तब तक आधा घंटे पढ़ने आए हैं कि समय बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए सोच समझ कर कदम उठाने की जरूरत है। तो चलिए हम फॉर्मूला तय कर रहे थे कि इस क्षेत्र के अवयव की संख्या हमको बताइए, एन लगा देने का अर्थ क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी के अवयवों की।